जल जीवन मिशन में घोटाला का दावा करते हुए कांग्रेसी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि गांवों में नल के कनेक्शन तो दिए हैं लेकिन पानी गायब कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जल जीवन मिशन योजना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन में सवाल उठाया। सवाल का मन मुताबिक जवाब नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर जमकर हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। गांवों में कनेक्शन तो दे दिए गए लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा। नलों में पानी तो आना चाहिए। पानी को लेकर सभी ग्रामीण काफी परेशान हैं। मिशन जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है। जो नई योजना जो सरकार बनाती है वो कम से कम 5-15 साल चलती है लेकिन ये योजना सिर्फ जो 1-1 करोड़ की योजना, 2-2 करोड़ की, 1-1 गांव की योजना, इसे हर विधानसभा 100-200 करोड़ की योजनाएं बनी है उसके अंदर खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है। नलों में पानी नहीं आया। सरकार बोलती है हम कनेक्शन दे दिए लेकिन कनेक्शन देने से क्या होता, उन नलों में पानी तो आना चाहिए। आज पूरे ग्रामीण क्षेत्र, पूरे मध्य प्रदेश के पानी को लेके परेशान है। तो हम चाहते हैं उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जिसमें इनमें बड़ा घोटाला हुआ। सरकार के कौन लोग इसमें लिप्त थे ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकार उससे बचना चाहती है, सरकार अपने भ्रष्टाचार को छुपा रही है। ये हमारी मांग थी इसीलिए हमने बहिर्गमन किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।